जय हिंद वायु योद्धाओं, मैं सार्जेंट एके तिवारी आप सभी का इस वीडियो प्रेजेंटेशन में भूतपूर्व वायु योद्धा निदेशालय की तरफ से स्वागत करता हूं। इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं डेटेड अवेयर वेटरन्स यानी भूतपूर्व वायु योद्धा निदेशालय की संरचना के बारे में आपको बताई जाएगी। रिटायरमेंट बेनिफिट्स के रूप में आपको मिलने वाले पेंशन एवं अन्य लाभ जैसे कि सर्विस पेंशन, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन, डिसेबिलिटी लिमिटेड पेंशन, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। पेंशन अकाउंट कैसा हो, कहां खुलवाएं और जरूरत पड़ने पर इसे हम ट्रांसफर कैसे कराएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फैमिली पेंशन, जिसे हम कुटुंब पेंशन या पारिवारिक पेंशन के भी नाम से जानते हैं, कब और किसे मिलती है। लाइफ सर्टिफिकेट और इसकी जरूरत के बारे में हम चर्चा करेंगे। विथहोल्डिंग एंड सस्पेंशन ऑफ पेंशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि पेंशन आपकी कब और किस परिस्थिति में बंद कर दी जा सकती है, इसके बारे में हम पूरी तरह से जानकारी लेंगे। और अंत में वेलफेयर एस्पेक्ट्स और सैनिक गुड्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। भूतपूर्व वायु योद्धा निदेशालय की स्थापना एयर हेडक्वार्टर आरकेपुरम से DPP&R, AFCO से नॉन इफेक्टिव अकाउंट सेक्शन, AFRO से पेंशन एंड वेलफेयर विंग, इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल इत्यादि, DPS एंड DPA से वेलफेयर, ECHS और इत्यादि सेक्शन, तथा DGMCS से रिलीज मेडिकल बोर्ड, रिलीज मेडिकल एग्जामिनेशन को मिलाकर की गई है। यह निदेशालय 17 सितंबर 2012 से सुब्रतो पार्क में वायु मुख्यालय के AOA ब्रांच के अंतर्गत एक सिंगल विंडो की तरह भूतपूर्व वायु योद्धाओं एवं उनके परिवारों की पेंशन एवं अन्य वेलफेयर से संबंधित मामलों का निपटारा एवं उचित मार्गदर्शन प्रदान करते आया है। आइए अब हम जानते हैं इस निदेशालय की संरचना के बारे में। यह निदेशालय विभिन्न उप निदेशालयों में बटा हुआ है, जैसे कि AV&N, AV Officers, AV IT, AV Medical, AV Legal इत्यादि। एयरमैन NC एवं उनके परिवारों से संबंधित मामले AV&N के द्वारा देखा जाता है। पुनः कार्यों के आधार पर यह ऑडिट एंड अकाउंट, सर्विस पेंशन, फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, वेलफेयर सेक्शन, स्विफ्ट एंड लाइजन सेल, इंफॉर्मेशन क्यूरी सेल, ECHS एवं डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में बटा हुआ है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स यानी सेवानिवृत्ति के लाभ के रूप में आपको मिलेगी सर्विस पेंशन, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ पेंशन। अगर आप इसके दायरे में आते हैं तो आपके द्वारा अर्जित अवकाश पर मिलने वाली राशि यानी कि लीव इन कैशमेंट एवं सर्वाइवल बेनिफिट AFJS के द्वारा। इनमें से सर्विस पेंशन, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ पेंशन आपको पेंशन पेमेंट ऑर्डर के माध्यम से दी जाएगी। बाकी लीव इनकैशमेंट तथा सर्वाइवल बेनिफिट AFJS के द्वारा आपको NEFT के माध्यम से दी जाएगी। क्या है पेंशन पेमेंट ऑर्डर? पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि PPO पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी के द्वारा पेंशन केस फाइल के फाइनल ऑडिट के बाद जारी किया जाता है। एयरफोर्स पेंशनर्स जो 1986 के बाद एयरफोर्स सर्विस से डिस्चार्ज गए हैं, उनके केस में पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट एयरफोर्स सुब्रतो पार्क है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर 4 कॉपी में इशू होता है। पहली कॉपी ज्वाइंट CDA के ऑफिस में रखी जाती है। दूसरी कॉपी PDA कॉपी होती है, जिसे आपके बैंक जहां से आप पेंशन लेने के इच्छुक होते हैं या DPDO ऑफिस को भेजी जाती है। तीसरी कॉपी इंडिविजुअल कॉपी होती है, यानी कि पेंशनर्स कॉपी होती है, जो आपको मिलेगी। चौथी कॉपी रिकॉर्ड कॉपी होती है, जो आपके रिकॉर्ड कॉपी ऑफ सीट रोल के साथ DAV में जमा रहती है।
पेंशन पेमेंट ऑर्डर की सैंपल कॉपी आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर चार भागों में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में आपका सर्विस पे एंड पेंशन की डिटेल्स होती है, पार्ट बी में आपके स्पाउस का पार्टिकुलर्स जिसमें उनका नाम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आधार नंबर, पैन नंबर और फैमिली पेंशन की डिटेल्स लिखी हुई होती है। पार्ट सी में आपका पीडीए का डिटेल्स आता है जिसमें आपका बैंक का नाम, एड्रेस, अकाउंट नंबर तथा आईएफएससी कोड लिखा हुआ होता है। पार्ट डी में आपके डिपेंडेंट्स का पार्टिकुलर्स होता है जिसमें उनका नाम, आपके साथ रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और अगर वो हैंडीकेप्ड है तो उसकी भी एंट्री होती है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर मिलने के उपरांत आप सभी को इसमें 10 एंट्रीज की अच्छे से जांच करनी होती है। अगर इसमें से कोई भी खामियां आपको नजर आती हैं, तो तुरंत ही आपको जेसीडीए यानी कि ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट एयरफोर्स सुब्रतो पार्क अथवा डायरेक्टर एयर वेटरन्स सुब्रतो पार्क को इंटीमेट करना होता है ताकि उनमें दर्ज कोई भी खामी को उसको सुधारा जा सके और आपको एक कोजन पीपीओ के थ्रू इंट्रीज को करेक्ट करके मिल सके। पेंशन क्या है? पेंशन किसी के द्वारा एक नियत समय तक सेवा देने के उपलक्ष्य में एक मासिक भुगतान के रूप में दी जाने वाली राशि है। सेवा पेंशन के लिए योग्यता एयरमैन के लिए 15 साल और एनसी के लिए 20 साल निर्धारित है। यह अंतिम मानक वेतन यानी कि लास्ट रिकॉग्नाइजेबल इमोल्यूमेंट्स के 50% के रेट से दे होता है। अंतिम मानक वेतन यानी कि लास्ट रिकॉग्नाइजेबल इमोल्यूमेंट्स में आता है पे इन मैट्रिक्स, मिलिट्री सर्विस पे, ग्रुप एक्स पे और क्लासिफिकेशन पे। यहाँ पर जैसे कि हम सभी जानते हैं ग्रुप एक्स पे सिर्फ ग्रुप एक्स ट्रेड्समैन के लिए तथा क्लासिफिकेशन पे सार्जेंट रैंक तक के एयरमैनों के लिए लागू है। सार्जेंट एमएससीपी तथा ऊपर के रैंक के एयरमैन जिन्हें सेवा काल के दौरान क्लासिफिकेशन पे पेमेंट के रूप में मिलती है उनकी गणना पेंशन में नहीं की जाती। आइए अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा विस्तार से समझते हैं। यहाँ हमने काल्पनिक नाम लिया है जेडब्ल्यू वायुदूत वेपन फीटर ट्रेड्स के, जो 31 मार्च 2020 यानी कि 31 मार्च 2020 को एयरफोर्स सर्विस से 30 इयर्स के सर्विस के बाद यानी कि 30 साल सेवा देने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। उनकी पेंशन की कैलकुलेशन इस प्रकार होगी। मान लिया उनकी पे इन मैट्रिक्स 60,000 यानी कि 60,000, मिलिट्री सर्विस पे 5,200 यानी कि 5,200, ग्रुप एक्स पे 6,200 यानी कि 6,200 तथा क्लासिफिकेशन पे नील हो क्योंकि वो जेडब्ल्यू रैंक के हैं, जेडब्ल्यू रैंक के लिए क्लासिफिकेशन पे की गणना उनकी पेंशन में नहीं की जाती तो उनका अंतिम मानक वेतन यानी कि लास्ट रिकॉग्नाइजेबल इमोल्यूमेंट्स होगा 71,400 रुपीज 71,400 रुपए। इस तरह से उनका बेसिक पेंशन यानी कि सर्विस एलिमेंट ऑफ पेंशन होगा 71,400 का 50% और ये राशि होगी 35,700 यानी कि 35,700 रुपए। ठीक इसी प्रकार से आप अपने मिलने वाली बेसिक पेंशन की गणना कर सकते हैं। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एक वन टाइम रिवार्ड की तरह है जो किसी के पूर्व के सेवा काल के हिसाब से दे होती है। यह एक लमसम अमाउंट के रूप में दे होती है। इसकी गणना प्रतिवर्ष के सेवा काल के आधे महीने के मंथली पेमेंट यानी मासिक पेमेंट के बराबर होता है। यहाँ मैक्सिमम सेवा काल यानी सर्विस पीरियड 5 साल के अतिरिक्त वेटेज के साथ 33 वर्ष ही निर्धारित की गई है। अर्थात अगर आपका सर्विस पीरियड 5 साल के एडिशनल वेटेज के साथ 33 साल से अधिक होता है तो आपको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की गणना
33 साल पर ही की जाएगी। पुनः मैक्सिमम अमाउंट जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी में आपको मिल सकती है वो है 20 लाख रुपए तक, यानी अगर रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की गणना के समय आपकी राशि 20 लाख से ऊपर होती है तो इसको 20 लाख तक ही सीमित की जाएगी। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की गणना के लिए जो मानक वेतन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, जिनमें पे इन मैट्रिक्स, मिलिट्री सर्विस पे, ग्रुप एक्स पे तथा इन तीनों राशियों पर लगने वाला डियरनेस अलाउंस और क्लासिफिकेशन पे है। यहां पुनः एक बात समझने योग्य है कि क्लासिफिकेशन पे सिर्फ सार्जेंट रैंक तक के एयरमैनों के लिए ही देय होती है, सार्जेंट एसीपी तथा ऊपर के रैंक के एयरमैनों के लिए रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की गणना में क्लासिफिकेशन पे को नहीं लिया जाता। पांच मुख्य बिंदु जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की गणना में याद रखने योग्य है वो इस प्रकार है। कम से कम 5 साल की सेवा अवधि यानी सर्विस पीरियड, उसमें 5 साल का एडिशनल वेटेज, वेटेज को लेकर के मैक्सिमम 33 साल की सर्विस पर ही दे, गणना प्रतिवर्ष के सेवाकाल के आधे महीने के रिकनेबल इमोलमेंट्स के बराबर और मैक्सिमम 20 लाख तक की राशि। आइए अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा विस्तार से समझते हैं। जेडब्ल्यू वायुदूत वेपन पीटर 30 साल की सेवा अवधि के पश्चात 31 मार्च 2020 को डिस्चार्ज हो चुके हैं। 1 जनवरी 2020 को निर्धारित महंगाई भत्ता यानी डीए है 17%। उनकी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की गणना इस प्रकार होगी। पे इन मैट्रिक्स 60,000 यानी कि 60,000, मिलिट्री सर्विस पे 5,200 यानी कि 5,200, ग्रुप एक्स पे 6,200 यानी कि 6,200 तथा इन तीनों राशियों पर लगने वाला डीए 17% यानी 17% के रेट से 12,138 रुपीज और क्लासिफिकेशन पे नील क्योंकि ये जेडब्ल्यू रैंक के हैं। इस तरह से इनका रिकनेबल इमोलमेंट्स रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए होगा 83,538 रुपीज यानी कि 83,538 रुपए। यहां जो हमने रिकनेबल इमोलमेंट्स लिया है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की गणना के लिए, यह रिकनेबल इमोलमेंट्स सर्विस पेंशन की गणना से अलग है। यहां पर लगने वाला डीए ऊपर से जुड़ा हुआ है। इस तरह से उनका रिटायरमेंट ग्रेच्युटी होगा रिकनेबल इमोलमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय क्वालिफाइंग सर्विस इंक्लूडिंग वेटेज बाय 2, मतलब 83,538 रुपीज यानी 83,538 रुपए को हम उनके टोटल सर्विस में 5 साल के वेटेज से आधे महीने के बराबर मल्टीप्लाई करेंगे। पर हमने पहले ही देखा है कि मैक्सिमम 33 साल की सेवा अवधि पर ही रिटायरमेंट ग्रेच्युटी दी है, इसलिए कैलकुलेशन करते समय 35 साल यानी 35 को हम 33 ईयर्स वापस ले आएंगे और इस तरह से इनकी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की राशि होगी 13,78,377 रुपए यानी कि 13,78,377 रुपीज। ठीक इसी प्रकार से आप अपने को मिलने वाले रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की गणना कर सकते हैं। कुछ सेवा अवधि जिसकी गणना पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए नहीं की जाती वो इस प्रकार है। इसे हम नॉन क्वालिफाइंग पीरियड के नाम से यानी कि NQP के नाम से जानते हैं। AWL अगर रेगुलराइज न हुआ हो, सिविल कस्टडी का पीरियड,
कोर्ट मार्शल के द्वारा दिया गया डिटेंशन का पीरियड और ईडब्ल्यूएल जिसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बिना पे एंड अलाउंसेस के रेगुलराइज किया गया हो वो है। ये चारों पीरियड अगर किसी के सेवा काल के दौरान आता है यानी कि किसी के सर्विस पीरियड के दौरान आता है तो टोटल सर्विस पीरियड में से इसे माइनस यानी कि घटा लिया जाता है तथा शेष बची हुई सर्विस पीरियड के ऊपर पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना की जाती है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या है? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन अथवा पेंशन का सारांशीकरण अपने भविष्य में मिलने वाले पेंशन की राशि का एडवांस विड्रॉल की तरह है। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है यानी ऑप्शनल है तथा इसे अपने मूल पेंशन यानी सर्विस पेंशन के 50% तक के हिस्से पर ली जा सकती है। इस राशि को अगले 15 वर्षों तक एक बराबर किस्त के रूप में आपकी मूल पेंशन से वापस ली जाती है। इसमें किस्त में कटने वाली राशि वही राशि होती है जो आपने 0 से 50% के बीच में अपने बेसिक पेंशन के ऊपर स्वैच्छिक रूप से ली होती है। हालांकि इन 15 वर्षों के दौरान अगर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित परिवार या फैमिली पेंशन लेने वाले उत्तराधिकारी से इस राशि का कोई रिकवरी नहीं होता। इसमें दी जाने वाली राशि पेंशनर के रिटायरमेंट के बाद आने वाली पहली जन्म दिवस यानी कि फर्स्ट बर्थडे के दिन वाले उम्र पर निर्धारित होती है। कम्यूटेशन लेने के लिए कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा जारी किया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। मतलब बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के आपको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन नहीं मिल सकती। इस टेबल में हम कम्यूटेशन की परचेज वैल्यू को देख सकते हैं, अर्थात अगर किसी की रिटायरमेंट के बाद आने वाली फर्स्ट बर्थडे के दिन उम्र 48 साल यानी कि 48 ईयर्स हो तो उनके उम्र के हिसाब से परचेज वैल्यू होगा 8.913। आगे अगर मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन में इंडिविजुअल की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो तो मेडिकल बोर्ड कम्यूटेशन के लिए एडिशनल लोडिंग एज यानी अतिरिक्त उम्र के साथ रिकमेंड कर सकता है। इस केस में अगर मान लीजिए कि 5 साल की एडिशनल लोडिंग एज दी हुई हो तो 48 यानी कि 48 में 5 को ऐड करने के बाद 53 ईयर्स के ऊपर यानी कि 8.724 परचेज वैल्यू होगी। कम्यूटेशन की राशि की गणना इस प्रकार करते हैं। फॉर्मूला है अमाउंट कम्यूटेड मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय परचेज वैल्यू फॉर द एज। अमाउंट कम्यूटेड का मतलब वो राशि जो पेंशनर ने अपने मूल पेंशन पर 0 से 50% के बीच में ऑप्ट किया हुआ होता है और परचेज वैल्यू फॉर द एज जैसा कि अभी हमने जाना है रिटायरमेंट के बाद आने वाले फर्स्ट बर्थडे के दिन वाले उम्र पर निर्धारित होती है। आइए पुनः हम इसे एक उदाहरण के द्वारा विस्तार से समझते हैं। जेडब्ल्यू वायुदूत 31 मार्च 2020 यानी 31 मार्च 2020 को 30 साल की एयरफोर्स सर्विस के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1972। उन्होंने अपने पेंशन की राशि का 40% हिस्सा कम्यूट किया है। उनका बेसिक पेंशन है 35,700 रूपए। अब हम उनके कम्यूटेशन की राशि की गणना करेंगे। 40% के हिसाब से उनका अमाउंट कम्यूटेड होगा 14,280 रूपए और 48 ईयर्स यानी 48 साल के हिसाब से उनका एज वैल्यू परचेज वैल्यू फॉर द एज होगा 8.913। इस तरह से उनका कुल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन होगा 15,27,332 रूपए यानी कि 15,27,332 रूपीज। ठीक इसी प्रकार से आप भी अपने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ कम्यूटेशन की गणना कर सकते हैं। Why should you commute your pension? यानी आपको अपने पेंशन पर कम्यूटेशन क्यों लेना चाहिए? इसका सबसे पहला कारण है कि यह एक वन टाइम लमसम अमाउंट के रूप में आपको रिटायरमेंट के समय मिलती है।
दूसरा कारण यह इनकम टैक्स फ्री होता है, यानी कि जो अमाउंट आपको 15 साल किस्त के रूप में वापस करनी हुई होती है वो उस साल के इनकम में नहीं काउंट होता। इस तरह से आपको अपने पेंशन पर कम टैक्स पे करना होता है। तीसरा कारण मनी के डीवैल्यूएशन से होने वाला फायदा है। चौथा और सबसे बड़ा कारण, अगर पेंशनर की मृत्यु 15 सालों के दौरान हो जाती है तो इस राशि की रिकवरी फैमिली पेंशनर से नहीं की जाती। आइए हम अब तक के उदाहरणों को एक साथ समझते हैं। पुनः हमने जेडरो वायुदूत वेपन फिटर का एग्जाम्पल लिया है। इनका पे डिटेल्स इस प्रकार है, पेन मैट्रिक्स 60,000 यानी कि 60,000, मिलिट्री सर्विस पे 5,200 यानी कि 5,200, ग्रुप एक्स पे 6,200 यानी कि 6,200 और इन तीनों राशियों पर मिलने वाला 17% के हिसाब से महंगाई भत्ता यानी कि डीए 12,138 रुपए। क्लासिफिकेशन पे यहाँ हम नील लेंगे और इन्होंने कम्यूटेशन 40% की दर से ली है। इस तरह से इनका सर्विस पेंशन होगा 35,700 रुपए। फॉर्मूला आपको स्क्रीन के नीचे दिखाई जा रही है। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी होगा 17,38,377 रुपए। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन होगा 15,27,332 रुपए। रेसिडुअल पेंशन होगा 21,420 रुपए। रेसिडुअल पेंशन सर्विस पेंशन में से अमाउंट कम्यूटेड की राशि को घटाने के बाद प्राप्त होती है। और इनका मंथली पेंशन होगा 27,489 रुपए। मंथली पेंशन रेसिडुअल पेंशन प्लस डियरनेस रिलीफ जो कि डियरनेस अलाउंसेस के बराबर होता है वो सर्विस पेंशन पर लगाकर दी होती है, यानी कि रेसिडुअल पेंशन प्लस डीएनएस रिलीफ ऑन सर्विस पेंशन, और ये राशि है 27,489 रुपए। आइए अब हम कम्यूटेशन के साथ और कम्यूटेशन के बिना इनको मिलने वाले पेंशन की राशि में अंतर समझते हैं। कम्यूटेशन के साथ और कम्यूटेशन के बिना मिलने वाली पेंशन की राशि में जो मेन अंतर है वो है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन का, जो बिना कम्यूटेशन वाले को नहीं मिलता है। और दूसरा मूल अंतर है मंथली पेंशन में। कम्यूटेशन के साथ अगर उसी एग्जांपल को हम साथ में लेते हैं तो यहाँ पर पेंशन पर मंथ बनेगी 27,489 यानी कि 27,489 रुपीस। क्यों? क्योंकि इनकी 14,280 रुपए पर महीने 15 सालों तक पेंशन से कटेगी और बिना कम्यूटेशन वाले के लिए पेंशन पर मंथ होगी 41,769 रुपए यानी कि 41,769 यानी कि 41,769 रुपए। आइए अब हम जानेंगे पुराने पेंशनरों को उनके पेंशन में मिलने वाले अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन के बारे में। 80 साल से पुराने पेंशनर्स को उनके मूल पेंशन यानी कि बेसिक पेंशन में उनके एज के हिसाब से इस तरह से वृद्धि की जाती है। 80 साल से ऊपर तथा 85 साल से नीचे के पेंशनरों के मूल पेंशन में 20% की वृद्धि, 85 साल से लेकर के 90 साल के नीचे तक के पेंशनरों के पेंशन में 30% की वृद्धि, 90 साल से लेकर के 95 साल से नीचे तक के पेंशनरों के मूल पेंशन में 40% की वृद्धि, 95 साल से लेकर के 100 साल के नीचे तक के पेंशनरों को मूल पेंशन में 50% की वृद्धि तथा 100 साल से ऊपर के पेंशनरों के मूल पेंशन में 100% की वृद्धि देय होती है। इस बढ़े हुए अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन के ऊपर डियरनेस रिलीफ यानी कि महंगाई राहत भी दे होती है।
आगे की स्लाइड में हम जानेंगे डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि निःसक्तता पेंशन के बारे में। डिसेबिलिटी पेंशन की कंडीशंस। डिसेबिलिटी पेंशन की जो पहली कंडीशन है वो इंजरी डिजीज एट्रिब्यूटेबल टू और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, यानी कि इंजरी और डिजीज का उत्पत्ति का कारण या बढ़ोतरी का कारण मिलिट्री सर्विस रहा हो। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है वो है डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी 20% से ज्यादा होना चाहिए। जो भी वायु सैनिक सेवा काल के दौरान हुए इंजरी और डिजीज के कारण ये दोनों कंडीशनों को पूर्ति करते हैं उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन दे होती है। डिसेबिलिटी पेंशन दो एलिमेंट से मिलकर के बनता है, सर्विस एलिमेंट जो सर्विस पेंशन के बराबर माना जाता है, और दूसरा डिसेबिलिटी एलिमेंट जो डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के ऊपर। डिसेबिलिटी एलिमेंट की गणना इस प्रकार की जाती है, अगर डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी 20% से लेकर के 49% तक हो यानी कि 20% से लेकर के 49% तक हो तो डिसेबिलिटी एलिमेंट 50% के रेट से मिलती है। वहीं अगर डिसेबिलिटी की डिग्री 50% से लेकर के 75% तक हो तो डिसेबिलिटी एलिमेंट 75% के दर से मिलती है, और अगर 76% से ऊपर हो तो डिसेबिलिटी एलिमेंट 100% के रेट से मिलती है। डिसेबिलिटी एलिमेंट की रेट 30% के मानक वेतन यानी कि 30% के लास्ट रिकॉग्नाइजेबल एमोल्यूमेंट्स के बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लास्ट रिकॉग्नाइजेबल एमोल्यूमेंट्स किसी का 60,000 है तो 100% के दर से डिसेबिलिटी एलिमेंट होगा 18,000, 75% की दर से डिसेबिलिटी एलिमेंट होगा 13,500 और 50% की दर से डिसेबिलिटी एलिमेंट होगा 9,000 रुपए। ठीक इसी प्रकार से आप अपने को मिलने वाले डिसेबिलिटी एलिमेंट की गणना कर सकते हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए डिसेबिलिटी एलिमेंट के रिजेक्शन के बाद वायु सैनिकों को दो अपील करने का प्रावधान दिया गया है। डिसेबिलिटी एलिमेंट के रिजेक्शन के तुरंत बाद अगर उन्हें लगता है कि उनकी डिसेबिलिटी एलिमेंट गलत तरीके से रिजेक्ट कर दी जा चुकी है तो वो एक प्लेन पेपर पर अपने रीजन और जस्टिफिकेशन के साथ डायरेक्टर ऑफ एयर वेटरन्स को अपना अपील फाइल कर सकते हैं। दोनों अपील की कंपोजिशन आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फर्स्ट अपील में चेयरमैन होंगे एयर कमोडोर एवी, मेंबर्स डीजीएफएमएस पेंशन आईएफए एयर क्वार्टर और ग्रुप कैप्टन एवी एंड एम। फर्स्ट अपील के रिजेक्शन के उपरांत अगेन सेकेंड अपील के लिए आप फाइल कर सकते हैं। सेकेंड अपील का कंपोजिशन है, इसमें चेयरमैन है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, मेंबर्स में डीजीएचएस आर्म फोर्सेस, जैग आर्मी, जेएस एडिशनल एफए। इन दोनों अपीलों के दौरान अगर आपकी अपील एक्सेप्ट कर ली जाती है तो आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट एक कोरिजनम पीपीओ के थ्रू सैंक्शन होकर के मिलेगा। आगे की स्लाइड्स में हम जानेंगे पेंशन अकाउंट के बारे में। आप अपना पेंशन अकाउंट अपनी पत्नी के साथ संयुक्त रूप में खुलवाएं। याद रहे आप इसके प्राइम अकाउंट होल्डर होने चाहिए तथा आपका नाम सर्विस रिकॉर्ड यानी डिस्चार्ज ऑर्डर के साथ बिल्कुल हूबहू मेल खाना चाहिए, और आपकी पत्नी का नाम और डेट ऑफ बर्थ सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार ही होनी चाहिए।
आप अपना पेंशन अकाउंट किसी भी ऑथराइज्ड बैंक यानी अधिकृत बैंक की शाखा में खुलवा सकते हैं। ऑथराइज्ड बैंक में पब्लिक सेक्टर में यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र के बैंक हैं एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीबीआई बैंक। पेंशन अकाउंट कैसे स्थानांतरित करें यानी कि पेंशन अकाउंट की ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या है। पेंशन अकाउंट को ट्रांसफर करने का एप्लीकेशन निम्नलिखित दो श्रेणियों में आ सकता है। पहला, सेम ऑथराइज बैंक के दौरान यानी कि एसबीआई से एसबीआई में या पीएनबी से पीएनबी में या बीओबी से बीओबी में लाइकवाइज, और दूसरा एक ऑथराइज बैंक से दूसरे ऑथराइज बैंक की शाखा में, जैसे कि एसबीआई में अगर आप पेंशन ले रहे होते हैं और आपको पंजाब नेशनल बैंक के किसी शाखा में पेंशन लेने की इच्छा होती है तो ये इस कैटेगरी में आता है। दोनों ही कैटेगरियों में यानी कि दोनों ही श्रेणियों के तहत आने वाले पेंशन भोगी किसी भी शाखा में इसके लिए अपना लिखित अनुरोध कर सकते हैं। पेंशन अकाउंट के सफलतापूर्वक स्थानांतरण यानी ट्रांसफर हो जाने के पश्चात इसकी सूचना डायरेक्टर ऑफ एयर वेटरन्स यानी भूतपूर्व वायु योद्धा निदेशालय को रिकॉर्ड अपडेशन के लिए अवश्य दें। आगे की स्लाइड्स में हम जानेंगे फैमिली पेंशन यानी कि कुटुंब पेंशन, जिसे हम पारिवारिक पेंशन के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में। फैमिली पेंशन क्या है और कब और किसे मिलती है। फैमिली पेंशन किसी वायु सैनिक की सेवा काल के दौरान अथवा पेंशन के साथ एयरफोर्स सर्विस से डिस्चार्ज या मेडिकल बोर्डेड आउट होने के पश्चात मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार के पात्र सदस्य को मिलती है। यह वायु सैनिक के अथवा पेंशनर के मृत्यु के अगले दिन से ही देय होती है। फैमिली पेंशन कैसे शुरू होती है। सामान्यतः फैमिली पेंशन की राशि की मंजूरी और इसे अधिकृत पीपीओ के जारी होने के साथ ही किया जाता है, यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर में डिपेंडेंट्स फैमिली मेंबर्स जो फैमिली पेंशन के लिए इलिजिबल होते हैं उनका नाम पहले ही इंडोर्स होकर के मिलता है। अगर पीपीओ में पात्र सदस्य का नाम पहले से जुड़ा हुआ हो तो पात्र सदस्य को जरूरी कागजात के साथ पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी यानी कि बैंक या डीपीडीओ जहां से पेंशन भोगी को पेंशन दी जाती थी के पास अपना दावा प्रस्तुत करना होता है। अगर पीपीओ में पात्र सदस्य का नाम पहले से जुड़ा हुआ नहीं है तो पात्र सदस्य को डायरेक्टर ऑफ एयर वेटरन को संपर्क करना होता है, जिससे उनका नाम कोरिजनम पीपीओ के द्वारा जोड़ा जा सके। परिवार के सदस्यों को किस अवधि तक और किस क्रम में कुटुंब पेंशन देय होती है। सामान्यतः एक समय में परिवार के एक ही सदस्य को कुटुंब पेंशन देय होती है कुछ कारणों को छोड़कर। उसका क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले विधवा या विधुर को। विधवा या विधुर के मामले में मृत्यु अथवा पुनर्विवाह की तिथि तक जो भी पहले हो तब तक फैमिली पेंशन देय होती है। निसंतान विधवा को उसके पुनर्विवाह के बाद भी कुटुंब पेंशन दी जाती रहेगी यदि सभी स्रोतों से उसकी आय न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर देय महंगाई राहत से कम हो। यहाँ न्यूनतम कुटुंब पेंशन यानी कि मिनिमम फैमिली पेंशन की रेट भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पर तय की जाती है। विधवा और विधुर के अपात्र हो जाने की स्थिति में 25 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अपनी आयु के क्रम में यानी कि सीनियरिटी ऑफ द एज के क्रम में
25 वर्ष की आयु होने तक अथवा विवाह करने तक अथवा न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर देय महंगाई राहत के योग से अधिक राशि अर्जित करना शुरू करने तक देय होती है। इसके बाद किसी ऐसे पुत्र पुत्री को जिसे कोई मानसिक विकार या विकलांगता, मानसिक मंदता, मंद बुद्धि सहित हो या शारीरिक रूप से अक्षम या विकलांग पुत्र पुत्री जो आजीविका के अर्जन में असमर्थ हो उन्हें दी जाती है। इनमें से अगर कोई पात्र सदस्य जीवित न बचा हो तो आयु की वरिष्ठता के क्रम में यानी कि सीनियरिटी ऑफ द एज के क्रम में अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री या तलाकशुदा पुत्री जो 25 वर्ष से अधिक की आयु की है उसे फैमिली पेंशन दी जा सकती है। इसके बाद नंबर आता है डिपेंडेंट पेरेंट्स का। ऐसे माता पिता जो वायु सैनिक के जीवित रहने के दौरान उस पर आश्रित थे उन्हें कुटुंब पेंशन दी होती है। और अंत में विकलांग सहोदर भाई बहन जो सरकारी कर्मचारी के मृत्यु के ठीक पहले उस पर आश्रित थे उन्हें आजीवन पेंशन दी जाती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैमिली पेंशन? कुटुंब पेंशन कितने प्रकार का होता है? कुटुंब पेंशन की राशि वायु सैनिक अथवा पेंशनर की मृत्यु के कारणों पर निर्भर होता है, जैसे सेवा काल यानी सर्विस पीरियड के दौरान मृत्यु के बाद इसे ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, अगर मृत्यु के कारण एयरफोर्स की सर्विस न रहा हो तो। दूसरा स्पेशल फैमिली पेंशन, अगर मृत्यु के कारण एयरफोर्स सर्विस रहा हो। और तीसरा लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, अगर मृत्यु के कारण इनेमी अटैक, बॉर्डर स्क्रीमिसेस, टेररिस्ट अटैक या अन्य कारण रहा हो तो होता है। रिटायरमेंट के पश्चात इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, अगर मृत्यु के कारण एयरफोर्स सर्विस के दौरान उपजी हुई कोई घटना या दुर्घटना न रहा हो। तथा स्पेशल फैमिली पेंशन, अगर पेंशनर की मृत्यु रिटायरमेंट के 7 सालों के अंदर होती है और मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा यह सर्टिफाई किया जाता है कि मृत्यु का कारण एयरफोर्स सर्विस के दौरान हुए इंजुरी या डिजीज रहा। रेट्स ऑफ फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दो दरों पर मिलती है। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट ऑर्डिनरी रेट यानी कि सामान्य फैमिली पेंशन सामान्य दर पर यह 30% के मानक वेतन मिलती है और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इनहेंस रेट यानी उच्चतर दर पर यह 50% के दर पर मिलती है। स्पेशल फैमिली पेंशन की दर है 60% और लिबरलाइज फैमिली पेंशन की दर है 100%। बढ़ी हुई दर पर कुटुंब पेंशन क्या है और यह किस अवधि तक देय होती है? यानी कि इनहेंस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन क्या है और यह कब तक मिलती है? सामान्यतः सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय वायु सैनिक द्वारा आहरित अंतिम वेतन के 30% की दर से कुटुंब पेंशन का भुगतान किया जाता है। हालांकि निम्नलिखित मामलों में अंतिम आहरित वेतन यानी कि लास्ट रेकोनोबल इमोलमेंट्स यानी मानक वेतन के 50% की दर से बढ़ी हुई दर पर कुटुंब पेंशन दी होती है। पहला डेथ इन सर्विस, यदि वायु सैनिक की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो बढ़ी हुई दर की पेंशन 10 वर्षों तक दे होती है। दूसरा है डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि वायु सैनिक की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने की स्थिति में बढ़ी हुई दर पर कुटुंब पेंशन 7 वर्षों तक, 7 ईयर्स तक अथवा मृतक की 67 यानी कि 67 वर्षों की आयु जो भी पहले हो तक दे होगी। किसी भी स्थिति में कुटुंब पेंशन की राशि सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति पर अधिकृत पेंशन की राशि से अधिक नहीं होती है। 10 या 7 वर्षों की अवधि यथा लागू बीतने पर कुटुंब पेंशन सामान्य दर यानी कि 30% की दर से दे होती है।
डिवीजन ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, क्या एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों को सामान्य दर पर मिलने वाली कुटुंब पेंशन दे है? सामान्यतः एक समय में परिवार के एक ही पात्र सदस्य को कुटुंब पेंशन यानी फैमिली पेंशन मिलती है। हालांकि कुछ मामलों में कुटुंब पेंशन परिवार के पात्र सदस्यों में बांटी जाती है। कुटुंब पेंशन का बराबर हिस्सों में भुगतान किया जाएगा यदि मृत पेंशन भोगी की एक से अधिक विधवा है। केवल ऐसे मामले जहां बहुविवाह या बहुपतित्व की अनुमति है। दूसरा, एक विधवा और दूसरी विधवा के पात्र बच्चे को उस बच्चे को कुटुंब पेंशन का वही हिस्सा मिलेगा जो उसकी मां को मिलता यदि वह जिंदा होती। तीसरा, एक विधवा और तलाकशुदा अवैध रूप से विवाहित पत्नी के पात्र बच्चे को उस बच्चे को कुटुंब पेंशन का वही हिस्सा मिलेगा जो उसकी मां को मिलता यदि उसका तलाक नहीं हुआ होता या विवाह अवैध नहीं हुआ होता। उपयुक्त सभी मामलों में एक प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर उसकी कुटुंब पेंशन का वही हिस्सा परिवार के उन दूसरे सदस्यों को दे होगा जो कुटुंब पेंशन के भागीदार थे। आगे की स्लाइड्स में हम लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है जीवन प्रमाण पत्र? हर साल नवंबर महीने में प्रत्येक पेंशन भोगी को अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट अपने पेंशन संवितरण कार्यालय यानी कि पीडीए या बैंक में अपनी पेंशन को जारी रखने के लिए देना होता है। इसे दो माध्यमों के द्वारा दी जा सकती है। पहला, नजदीक के किसी भी बैंक कार्यालय या केंद्र जहां जीवन प्रमाण लिया जा रहा हो, और दूसरा ऑनलाइन माध्यम जीवन प्रमाण ऐप को यूज करके। जीवन प्रमाण के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की क्या प्रक्रिया है? जीवन प्रमाण सुविधा का उपयोग करने के इच्छुक पेंशन भोगियों को पहले अपने पेंशन खाते में अपनी आधार संख्या दर्ज करवाना होता है। एक बार अंकन हो जाने के बाद पेंशन भोगी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे वेबसाइट के ऊपर जाकर के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके पश्चात उन्हें अपना नाम रजिस्टर करना होता है। पेंशन भोगियों संबंधी जानकारी जैसे आधार संख्या, पेंशन भोगी का नाम, पीपीओ नंबर, बैंक खाते का ब्यौरा, पता, मोबाइल नंबर आदि वेब आधारित ग्राहक इंटरफेस के माध्यम से सिस्टम में डाल दिए जाते हैं और अंततः फिंगरप्रिंट स्कैनर पर उंगली रखकर या आयरिस स्कैनर पर आंख का स्कैन कराकर पेंशन भोगी व्यक्ति संबंधी जानकारी को आधार संख्या का उपयोग करके प्रमाणीकृत यानी कि ऑथेंटिकेट कर दिया जाता है। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद और ऑथेंटिकेशन के बाद प्रमाण आईडी ट्रांजैक्शन संचालन नंबर स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है और इसी नंबर की पोर्टल से एसएमएस के रूप में पेंशन भोगी के मोबाइल पर भेज दिया जाता है। पोर्टल सफलतापूर्वक प्रमाणीकृत पेंशन भोगी के लिए इलेक्ट्रॉनिक जीवन प्रमाण सूचित करता है और यह केंद्रीय जीवन प्रमाण पत्र भंडारण डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है। आपका बैंक पोर्टल और बैंक के सर्वर के बीच सृजित इलेक्ट्रॉनिक डाटा हस्तांतरण तंत्र के माध्यम से आपके लिए पोर्टल से जीवन प्रमाण पत्र देख और प्राप्त कर सकता है। पेंशन भोगियों को बैंक को सूचित करना होता है कि उन्होंने जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल के माध्यम से जमा करा लिया है। इसके लिए वो बैंक को ईमेल या टेलीफोन के माध्यम से अप्रोच कर सकते हैं। आइए अब हम एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानेंगे। क्या आपकी पेंशन पर रोक या निलंबन की जा सकती है? क्या आपकी पेंशन विथहोल्ड या सस्पेंड हो सकती है? इसके बारे में चर्चा करेंगे। पेंशन पाने के लिए पेंशनर की फ्यूचर गुड कंडक्ट एक मुख्य योग्यता है। अगर कोई पेंशनर किसी सीरियस क्राइम में दोषी पाया जाता है तो उसकी पेंशन सजा के तारीख से बंद कर दी जाती है। यहाँ पर सीरियस क्राइम का मतलब इंडियन पीनल कोड या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या कोई अन्य कानून
जिसके अंदर आने वाला क्राइम में सजा का प्रावधान 3 साल या उससे अधिक हो है। आगे ग्रेव मिसकंडक्ट के केस में भी पेंशन पर रोक या निलंबन किया जा सकता है। डायरेक्टर ऑफ एयर वेटरन्स के वेलफेयर सेक्शन के कार्यों के बारे में हम जानेंगे। वेलफेयर सेक्शन भूतपूर्व वायु योद्धाओं एवं उनके आश्रितों के लिए एक ऑर्डर रूम की तरह कार्य करता है। इस अनुभाग या सेक्शन के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार है। री एम्प्लॉयड एक्स एयरमैन के एयरफोर्स सर्विस को उनके नए एम्प्लॉयर के साथ काउंट करवाने में, विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट्स जैसे कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स ग्रुप एक्स ट्रेड्समैन के लिए, कंपिटेंस सर्टिफिकेट ग्रुप वाई ट्रेड्समैन के लिए, डुप्लीकेट डिस्चार्ज बुक, लास्ट पोस्टिंग सर्टिफिकेट बच्चों के केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए, यहीं से जारी होता है। आगे भूतपूर्व वायुधाओं के रिटायरमेंट के पश्चात उनके जीवन काल में आने वाली घटनाओं के लिए एनईपीओआर का प्रमुलग्रेशन भी इसी अनुभाग के द्वारा होता है, जैसे कि बर्थ और एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रेन, डेथ या डाइवोर्स ऑफ वाइफ एंड और नेक्स्ट ऑफ किन, मैरिज रीमैरिज और चेंज ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन, चेंज ऑफ परमानेंट होम एड्रेस, चेंज ऑफ नेम ऑफ सेल्फ वाइफ चिल्ड्रेन इत्यादि, इंडोर्समेंट ऑफ दिव्यांग चिल्ड्रेन या सिबलिंग्स। वेलफेयर सेक्शन के अंतर्गत आने वाले कार्यों के निपटारे के लिए आवेदन कैसे करें? वेलफेयर सेक्शन में आने वाले कार्यों के निपटारे के लिए आवेदन आप अपने जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। हालांकि कुछ इमरजेंसी केसेस जहां पर समय की काफी कमी हो तो एप्लीकेंट डायरेक्टली वेलफेयर सेक्शन में अप्रोच कर सकता है। आइए अब हम जानें सैनिक बोर्ड के बारे में। सैनिक बोर्ड की स्थापना केंद्र, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों के रिसेटलमेंट वेलफेयर से संबंधित नियम कायदे बनाने एवं उन्हें सही तरीके से लागू करवाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। सैनिक बोर्ड रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है। इसे हम केंद्र में केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य में राज्य सैनिक बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला सैनिक बोर्ड के नाम से जानते हैं। एयरफोर्स सर्विस से डिस्चार्ज के बाद आप सभी को अपने डिस्चार्ज बुक और पीपीओ के साथ जिला सैनिक बोर्ड में जाकर के अपना नाम रजिस्टर करवाना होता है। यह सैनिक बोर्ड आपके होम टाउन के अंतर्गत आने वाला जिला सैनिक बोर्ड होता है। नाम के रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात आपको जिला सैनिक बोर्ड से एक सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, जो आपको पहचान पत्र के रूप में हर जगह वैध माना जाएगा। आइए अब हम जानते हैं उस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो रिटायरमेंट के पश्चात आपको केयरफुली प्रिजर्व करके रखना है। उनका डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिनमें पेंशन पेमेंट ऑर्डर, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो आपको यूनिट के द्वारा बुक फॉर्म में मिलती है, रिटायर्ड ऑफिसर आइडेंटिटी कार्ड, ये ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स को डायरेक्टर एयर वेटरन के द्वारा यानी कि डीएवी के द्वारा जारी किया जाता है, एक सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड जो आपके डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड यानी जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा, लास्ट पे सर्टिफिकेट जो डीएवी के द्वारा मिलेगा, पॉलिसी बॉन्ड फॉर एयर वेटरन इंश्योरेंस कवर एफजीएस के द्वारा जो मिलता है, एयरफोर्स एसोसिएशन मेंबरशिप कार्ड अगर आप इसके मेंबरशिप लेते हैं तो एएफए हेड ऑफिस के द्वारा मिलेगा, कैंटीन स्मार्ट कार्ड, डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड और ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड है।
हम आपके सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन की मंगल कामना करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।